अर्थव्यवस्था क्या है और इसका विकास कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। लेकिन इससे पहले आप समझिए इसका मैट्रिक्स, यानी कि इससे आपको बोर्ड में पूछेगा कितने नंबर का। तो देखिए, पूरे अगर एसएसटी की आप बात कीजिएगा तो पूरे एसएसटी जो होता है वो 80 नंबर का सवाल होता है। पूरे एसएसटी आपका 80 नंबर का सवाल होता है, जिसमें ऐसे याद रखिएगा कि 80 प्लस 20 होता है कि 100, तो 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल से मिल जाएगा, ये आपका स्कूल से मिल जाएगा 20 नंबर, ठीक है। और बाकी 80 नंबर में याद रखिएगा कि 20 नंबर आपको पूछेगा हिस्ट्री से, और 20 नंबर पूछेगा आपको ज्योग्राफी से, 17 नंबर पूछेगा आपको किससे, इकोनॉमिक्स से, और 17 नंबर का सवाल पूछेगा आपको ये सिविक्स से, और कितना हो गया 40, 17, 34, 6 नंबर का आपका पूछेगा ये डिजास्टर मैनेजमेंट से, याद रखिएगा कि 6 नंबर का सवाल आपको डीएम से पूछेगा डिजास्टर मैनेजमेंट से। तो देखिए तो कि 40 नंबर हो गया ये, और 40 नंबर ये 80 नंबर, तो 80 नंबर का सवाल आपका एसएसटी का आता है, और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल मिलेगा, और 80 नंबर का एसएसटी का जो आपका एग्जाम होगा सेंटर पे, उसमें 80 नंबर का सवाल होगा, जिसमें 20 नंबर हिस्ट्री से आएगा, 20 नंबर ज्योग्राफी से, 17 नंबर इकोनॉमिक्स से, 17 नंबर सिविक्स से, और 6 नंबर डिजास्टर मैनेजमेंट। और इसी में आपको सब बटल रहेगा, 2 अंक, 1 अंक, 3 अंक, 5 अंक, सब इसी में से आएगा। तो इसमें ज्यादा नंबर उठाने वाला सवाल नहीं है, मतलब इसमें इकोनॉमिक्स जो चैप्टर है इसको से आपको बोर्ड में ज्यादा सवाल पूछने वाला नहीं है, क्योंकि 17 नंबर में आपको 3 नंबर का भी सवाल रहेगा, 2 नंबर का भी रहेगा, 5 नंबर का भी रहेगा, 1 नंबर के भी रहेगा। तो अब बताइए तो कि इसको मैं देखिएगा तो 6-7 चैप्टर है, और उस 6-7 चैप्टर से मात्र आपको 17 नंबर के सवाल देगा। तो इसमें हम लोग ज्यादा टाइम नहीं देंगे, इसमें ज्यादा समय नहीं देंगे, और इसको जल्दी से आगे बढ़ेंगे। जो जो मतलब बोर्ड के एग्जाम से महत्वपूर्ण होगा उन्हीं चैप्टरों को हम लोग कवर करेंगे, और बाकी चैप्टर जो बचेगी उसको हम लोग निग्लेक्ट कर देंगे। ऐसे पढ़ेंगे सब, लेकिन उस पर ज्यादा हमारा फोकस नहीं रहेगा, क्योंकि नंबर आपको लाना है तो मैथ और साइंस पे आपको पकड़ होनी चाहिए। हिंदी में मोस्टली सारे स्टूडेंट्स का नंबर आता है, ऐसा नहीं है। आप देखिएगा ना तो हिंदी जो है ना, किसी का 70-80 से कम नंबर नहीं आता है। तो मैथ और साइंस, ये दो सब्जेक्ट पे अगर आपका पकड़ बहुत ज्यादा है तो आपका नंबर बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि एसएसटी जो है ना 20 नंबर तो प्रैक्टिकल दे देता है, और बाकी 80 नंबर में आपको 50 नंबर 55 नंबर आपको आ जाएगा। अगर 55 भी आता है और 20 नंबर प्रैक्टिकल से आप जो 75-76, तो एसएसटी में अगर आपका 80 प्लस आ जाता है तो बहुत अच्छा है, और बाकी फिर साइंस में आप लाइए 90, मैथ में लाइए 95, 100, तो वो फिर आपका नंबर 400 प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप इसका स्ट्रक्चर देख करके ही इस चैप्टर में आप प्रवेश कीजिए। तो इसके अनुसार आप देखिएगा तो पहला चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास।